इजी नहीं था, कभी यहाँ थी दो दो पे थी, फिर एक पे आई, फिर इधर पहुंची हूँ। सो दैट्स व्हाई बहुत प्रॉब्लम हुई थी दो बैसाखी से एक बैसाखी पे आने, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। बहुत वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आई एम हियर विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। लास्ट टाइम आई सेड दैट मैं डिसेबिलिटी के ऊपर कंटेंट्स क्रिएट करती रहूँगी, जो भी मुझे समझ आएगा या जो भी क्वेश्चंस होंगे या जो भी कमेंट्स आएंगे उनसे रिलेटेड मैं कंटेंट क्रिएट करूँगी। सो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैव ट्रीमेंडियस स्किल्स बट दे डोंट नॉट हैव ऑल द आंसर्स दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। आई एम सेइंग दैट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात कर रही हूँ। जो भी मैंने बचपन से लेके अपनी डिसेबिलिटी के साथ फेस किया है एंड अब तक, मैं वो बातें बोल रही हूँ जो डॉक्टर ने बताया था, उसके बाद मैंने जिससे ओवरकम किया मैं वो बातें बोल रही हूँ। जैसे कि कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि मैम हम तो क्रचेस से चलते हैं एंड हम तो स्टिक से चल ही नहीं सकते, आप स्टिक से कैसे चल लेती हो, ये आपके लिए इतना ईजी है चलना। सो डियर, ईजी कुछ नहीं होता है। एंड अब मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देती हूँ, ऐसे मैं सबके आंसर्स नहीं दे पाऊंगी एंड जिन लोगों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी, जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, मे भी उनको थोड़ा बहुत सोल्यूशन मिल जाए। सो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है, मैं दो क्रचेस से चलती थी बहुत टाइम पहले, दो क्रचेस से स्टार्ट किया था मैंने। दो क्रचेस से स्टार्ट करने के बाद उसके बाद डिसाइड कि मेरे को एक क्रचेस से चलना है, एक बैसाखी से चलना है। मैंने फिर एक क्रचेस एक बैसाखी हटाई और मैं एक बैसाखी से चलना स्टार्ट कर दिया। बहुत प्रॉब्लम हुई थी दो बैसाखी से एक बैसाखी पे आने, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ज़्यादा गिरती थी, चोटें भी लगती थी। बट आई डिसाइडेड, बिकॉज मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं मुझे क्रचेस को हटाना है। मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती थी क्रचेस से और डॉक्टर वाला बात मैंने इसलिए बोला था कि डॉक्टर्स ने ये डिसाइड करके दे दिया था कि आप दो बैसाखी दो कैलिपर से ही चल सकते हो, इससे ज़्यादा बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं होगा एंड ये बेस्ट कंडीशन है। मेरे फादर वगैरह को भी ये बोल दिया था, मेरे पेरेंट्स को भी, जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी उन टाइम पे, कि ये बेस्ट कंडीशन है, इससे ज़्यादा कुछ, क्योंकि मेरे फादर क्या होते थे, लेके ही हमें घूमते रहते थे कि शायद और इम्प्रूव हो जाए, शायद ठीक हो जाए। सो ठीक है, पोलियो ठीक नहीं होता है, पोलियो का कोई इलाज नहीं है। यहाँ मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर किन लोगों को पोलियो है और वो अभी भी घूम रहे हैं, अच्छी बात है, इम्प्रूवमेंट हो सकता है बट ठीक नहीं हो सकता। पहली बात तो ये अपने मन में बिठा लो, ठीक नहीं हो सकता। अगर किसी का हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैंने मेरे केस में देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों को, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे उन जिनको देखा, किसी का ठीक नहीं हुआ। इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली हो जाता है बट ठीक नहीं हुआ। सो ठीक है, सो पॉइंट पे आते हैं। तो पॉइंट इज दैट कि डॉक्टर्स ने डिसाइड करके दे दिया था मेरे को, दे सेड कि आप दो क्रचेस दो बैसाखियाँ और दो कैलिपर लगा के चलो, दिस इज द बेस्ट कंडीशंस, इससे ज्यादा बेटर कुछ नहीं हो सकता, इससे बेटर हम कर भी नहीं सकते हैं। और ये चीजें हुई थी, मतलब एक ऑपरेशन हुआ था मेरा, उसके बाद ये चीजें हुई थी। सो मैं उन लोगों को ये बात बोलना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको डॉक्टर ने कुछ बोला है कि यही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, अगर आप चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं अपनी बॉडी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को पोलियो है और वो नॉर्मल वॉक करने लगेगा या वो दौड़ने लगेगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ। बट इफ़ यू वॉन्ट, अपनी बॉडी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग यू कैन चेंज इट, आप ट्राई कर सकते हैं, यू हैव टू ट्राई इट, आपको ट्राई करते रहना चाहिए, मे बी कुछ इंप्रूवमेंट आप कर पाओ। क्योंकि कहते ना, इंसान ही सबसे बड़ा, अपने आप को सबसे ज़्यादा हम खुद जानते हैं, हमारी बॉडी के अलाव हमें कर रही है, हम किस तरह से, जब हम, अगर हमारे साथ कोई कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो हमें पता है उस फिजिकल डिसेबिलिटी से ओवरकम हम कैसे करना है, मेंटली हो या ही फिजिकली हो। तो अगर हम दो क्रचेस से चल रहे हो और हम कंफर्टेबल हैं कि हम एक से भी चल सकते हैं, तो डेफिनेटली हमें ट्राई करना चाहिए। ये नहीं कि डॉक्टर ने बोला था दो से, डॉक्टर ने बोला था ये, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको अपनी ओल्ड बैसाखी दिखा देती हूँ जो पड़ी हुई है। सो यहाँ ये आपको लगेगा मैं शायद झूठ बोल रही हूँ, दैट्स व्हाई आई दिया ये, ठीक है, ये रही, खराब हो गई है, बहुत पहले से यहाँ पड़ी थी, ये रही। मैं यहाँ से और मैंने यहाँ तक का सफ़र, वहाँ से मैंने यहाँ तक का सफ़र बड़ी मुश्किल से तय किया है, बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा इजी बिल्कुल नहीं था, एंड बट आई ट्राई एंड हो गया, मैंने कोशिश की तो हो गया, ठीक है। तो अगर आप चाहेंगे, कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, यू कैन डू इट, सी। तो ये दोनों का सफ़र, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र मैंने बहुत मुश्किल से तय किया था, इजी नहीं था, कभी यहाँ थी दो दो पे थी, फिर एक पे आई, फिर इधर पहुँची हूँ। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ऐसा नहीं है, डॉक्टर ने जो बोल दिया है वो पत्थर की लकीर हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। चाहेंगे तो आप चेंजेस कर सकते हैं,
और हमारी हमारी स्ट्रेंथ बॉडी की हमें खुद पता होती है, दूसरे वाले हमारे लिए बेस्ट बता सकते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट हम खुद जानते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो क्रिएट की थी जो मेरे को डीएम्स आते थे। और मेरे को याद है पहले मैं 2 कैलिपर लगा के और 2 बैसाखियों से चलती थी जो मेरी स्टार्टिंग हुई थी चलने की। तो मैंने एक कैलिपर को रिमूव कर दिया, फिर मेरा कैलिपर पूरा कमर तक था, मैंने वो कैलिपर हटा के मेरा अब थाई तक है, वो थाई तक मैंने पहुँचा दिया। मैंने खुद काट दिया था चाकू गर्म करके ना, और जो ऊपर वाला पोर्शन था ना, पहले तो मैंने एल्ट हटवा दी थी डॉक्टर से कह के, रो रो के मना किया था आपको यहाँ से बैठ नहीं पाओगे। मैं रुक नहीं पाती थी, ये चीज़ मेरी रुकती नहीं थी, ये जो मेरी कमर है ना, ये कमर मेरी रुकती नहीं थी, मैं ऐसे गिर जाती थी। बट मैंने ऐसे बैठ बैठ के प्रैक्टिस की और मैंने वो कमर जो पहले मैं उस कैलिपर की कमर यहाँ पे ऐसे बेल्ट कसती थी उसके साथ बैठती थी, मैंने बहुत कोशिश कर करके ना वो कमर हटवाई रो रो कर। पापा लड़ते थे कि नहीं और प्रॉब्लम हो जाएगी, आई सेड कि मैं मैनेज कर लूँगी। कमर जब हटी मेरी वो कमर वाला बैंड कैलिपर से, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी उठने में चलने में, बैलेंस डिसबैलेंस होती थी, मैं ऐसे गिर जाती थी पीछे कभी आगे। तो वो चीज़ मैंने बहुत संभाली संभाली संभाली, बहुत टाइम बाद वो हुआ और मैं बैठ के आराम से अब मैं इजीली बैठ जाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, टोटली फाइन। ये चीज़ मेरी इसमें स्ट्रेंथ आ गई है अपने आप। उसके बाद मैंने मेरा कैलिपर बहुत यहाँ तक था, बिल्कुल पूरा ऊपर पूरी थाई तक, वो मेरे को बहुत प्रॉब्लम करता था उठने बैठने में। सो मैंने क्या किया, चाकू लिया और उसको काट दिया। मैं अपना बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मुझ में एक चाह थी कि नहीं मुझे चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करनी है, मैनेज अच्छे से करनी है। चाकू लेके वो काटा, डॉक्टर मुझसे बहुत लड़े कि इतना सा कर दिया था मैंने अपना कैलिपर का वाला पोर्शन है ना छोटा सा कर दिया था, डॉक्टर बहुत लड़े कि अब आपको आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप कैसे चलोगे। आई सेड कि मैं मैनेज कर लूँगी। शुरू में मुझे बहुत दिक्कत हुई, आज मुझे उसी की आदत है। वैसे ही फिर एक कैलिपर पे आई थी मैं, फिर मैंने एक कैलिपर को हटाया, मैं एक कैलिपर से वॉक करी। सब बोलते थे, डॉक्टर्स भी डांटते थे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, यू कांट वॉक लाइक दैट, प्रॉब्लम होगी बॉडी में, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। मैंने कहा मैं मैनेज कर लूँगी, फैमिली भी डांटती थी, पापा डांटते थे, ऐसा मैं मैनेज कर लूँगी। तो मुझ में वो चीज़ थी, मैंने कर लिया। अगर आप है तो आप ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ये तो चेंजेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंप्रूवमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप अपने अपने साथ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो आप ट्राई करें, डेफिनेटली ट्राई करें। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने जो चीज़ आपको 10 साल पहले बोली थी और आप वही पकड़ के बैठे रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो फिजियोथेरेपी होती है या प्रैक्टिस करवाते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो आपकी बॉडी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो आप खुद में भी कोशिश किया करें इम्प्रूव करने की। एंड दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहें, चलते रहें, ताकि थोड़ा एक्टिव रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर जाएं, एक्टिव कैसे रहेंगे, घर में तो एक्टिव नहीं रह सकते, तो बाहर जाएं, थोड़ा बाहर निकला करें, लोगों को देखा करें, लोग आपको देखेंगे, आप लोगों को देखोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बैसाखी, फिर स्टिक, फिर दोबारा वो स्टिक, में अपनी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, अपनी यू नो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मैं चीज़ें चेंज करती हूँ। ये नहीं कि डॉक्टर ने बोला था वो चीज़ तो मैं उसी पर टिकी रहूँगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको फील होता है कि यार ये चीज़ अभी मेरे लिए काम नहीं कर रही है तो आपको चेंज कर देना चाहिए। और अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं यार ये चीज़ मेरे लिए काम कर रही है तो ठीक है, बेटर है, आपको उसको तो चलना चाहिए, फ्लो के साथ चलते रहो, लाइफ जैसे चल रही है उसको चलाते रहो, इट्स अप टू यू। अगर अगर आप बैसाखी से चलते हैं, क्रचेस से चलते हैं, यू वॉन्ट कि यार अभी ये अच्छी नहीं लगती है या ये प्रॉब्लम्स कर रही है, तो आप एल्बो स्टिक्स पे जा सकते हैं, लेकिन वो अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है। अगर आपका यू नो एल्बो स्टिक तब काम कर सकती है अगर आपका लोअर पोर्शन थोड़ा सा भी मतलब थोड़ी सी भी उसमें पावर स्ट्रेंथ है तो आप बस एल्बो स्टिक पर जा सकते हैं। अगर आपकी लोअर बॉडी में बिल्कुल स्ट्रेंथ है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अगर आपके पैर बिल्कुल भी वेट लेते ही नहीं है, बिल्कुल वेट नहीं लेते अगर आपके पैर, तो फिर आप एल्बो स्टिक पर ना जाए, बिल्कुल ना जाए, बिल्कुल 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 ना जाए, बिकॉज फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वो आपके हैंड्स पे बहुत ज़्यादा वेट आएगा और आपको प्रॉब्लम्स होंगी। सो दैट्स ऑल। फिर आपके लिए क्रचेस ही बहुत अच्छी है, तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि क्रचेस इज बेस्ट और कौन सी चीज़ें बेस्ट हैं। ओके, तो धन्यवाद इस वीडियो में भी इसके लिए इतना ही। एंड होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अपनी अकॉर्डिंग टू यू चेंजेस करते रहें लाइफ में, चेंजेस बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसा नहीं है डॉक्टर ने फलाना बोला था तो हमें फलाना ही करना है, नहीं बिल्कुल नहीं। टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड चेंज योर सेल्फ, चेंजेस बहुत ज़रूरी होते हैं। थैंक यू सो मच, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड डिसेबिलिटी से रिलेटेड मैं कंटेंट क्रिएट करती रहूँगी, जो जो मुझे क्वेरीज आती रहेंगी उनके अकॉर्डिंग, और जो जो मुझे खुद ठीक लगेगा उसके अकॉर्डिंग मैं कंटेंट बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।